बात को। सरफेस वाटर ग्राउंड वाटर लिंकेजेज की बात पर भी चर्चा हुई, और मित्रों मैं ये बता दूं कि खास करके ईस्टर्न यूपी और बिहार में हंड्रेड्स ऑफ रिवर्स एंड रिवुलेट्स ने पता नहीं थाउजेंड्स ऑफ वेटलैंड्स क्रिएट किए थे नेचुरल तरीके से फ्लड प्लेन वेटलैंड्स में। और इसके अलावा जो मुझे जानकारी दी गई कि 16वीं शताब्दी में या उसके बाद शायद दरभंगा के महाराजा ने हर गांव में तालाब खोदने के लिए हर परिवार को कहा था कि तालाब खोद लो, क्योंकि कभी भुखमरी की समस्या आई थी, कभी अकाल हुआ था तो कहा गया कि तालाब खोदो हम तुम लोगों को खाना देंगे। तो वहाँ का कल्चर का पार्ट बन गया एक तरह से कि इतने ज़्यादा मछलियाँ चूँकि वो सारे रिवर्स आके फ्लड के सीजन में वो वेटलैंड्स जो हैं वो अपने आप में एक फ्लड कंट्रोल डिवाइस हो गया था, और रिचार्ज करते थे रिवर्स उस वेटलैंड्स को, और फिर वेटलैंड से भी रिचार्ज होती थी नदियाँ, केवल पानी नहीं, एनर्जी नहीं, न्यूट्रिएंट नहीं, बल्कि स्पीसीज डाइवर्सिटी को। तो इस तरह से वहाँ एक संस्था चल इतना अच्छा काम कर रहा था बायोडाइवर्सिटी के रूप में। ग्राउंड वाटर भी उसी से रिचार्ज हो रहा था क्योंकि वेटलैंड्स आर किडनी ऑफ नेचर, और फिर वो ग्राउंड वाटर से नदियाँ रिचार्ज होती थी जिसकी चर्चा दोनों हमारे हाइड्रोजियोलॉजिस्ट लोगों ने किया है बहुत अच्छे ढंग से। लेकिन बायोडाइवर्सिटी की जो समस्या है उसमें रिसेंट जो डेवलपमेंट्स हुए हैं बहुत बड़ी समस्या सामने आई है एग्जॉटिक स्पीसीज की। एग्जॉटिक स्पीसीज की समस्या ये है कि जहाँ 60 के दशक में 70 के दशक में अलाहाबाद में ऑलमोस्ट 70% फिश कैच कार्प्स हुआ करते थे, वहाँ आज 70% से ज़्यादा एग्जॉटिक स्पीसीज के कैच आ रहे हैं। और कार्प्स की संख्या मैं 6 साल पहले का डाटा दे रहा हूँ, जब मैं सिफरी बैरकपुर के रिसर्च एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन था मुझे बताया गया कि वो कार्प्स की कैच घट करके 7% 6% पर इलाहाबाद में आ गई है। तो केवल फिशेज में ही नहीं है, इन्वर्टिब्रेट्स में भी काफ़ी आ गए हैं एग्जॉटिक स्पीसीज। वो एग्जॉटिक स्पीसीज आ रहा है कहें ग्लोबलाइजेशन के कारण, एक्वेरियम ट्रेड के थ्रू, कई चीज़ों के थ्रू, यहाँ तक कि गंगा पूरे बेसिन में भर गया है पार्थेनियम ग्रास है जो PL480 प्रोग्राम में कभी 1966 के आसपास में आ गया अमेरिका से यहाँ, और हमारे यहाँ पूरा भर गया है, लोकल ग्रासेज को ख़त्म कर रहा है, बहुत तेज़ी से ख़त्म कर रहा है। तो इन चीज़ों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। फिश स्पीसीज की स्वाभाविक है नंबर ऑफ संख्या घटने की बात कही गई, अगर आप देखें तो सबसे पहला अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन हुआ है गंगा के फिशेज के ऊपर में तो फ्रांसिस हैमिल्टन बुकानन ने 1822 में किताब पब्लिश किया जिसका नाम ही था फिशेज ऑफ गंगा एंड ब्रांचेज। संजोग है कि उस किताब की एक कॉपी है मेरे पास में, मैं देखता हूँ कि उस ज़माने में कैसे वो हाथ से बना करके स्केच और सारी मछलियों को इतने अच्छे से स्केच बनाया है जो कि शायद आज कैमरा से भी फोटो लें तो उतना अच्छा ना आएगा, और वो उसमें दिया था। 274 स्पीसीज की बात उसमें कही गई, बाद में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या तो उन लोगों ने 1991 में यहाँ तक कि 370 स्पीसीज की बात कही, लेकिन सिफरी बैरकपुर का जो रिपोर्ट आया बाद में गंगा के फिशेज का तो शायद मुश्किल से 140 स्पीसीज की बात कही जा रही है, इतनी तेज़ी से घट रहा है ये। और इन्वर्टिब्रेट्स पर तो बहुत कभी ध्यान दिया ही नहीं जा रहा है, विच आर द मोस्ट सेंसिटिव एनिमल्स। पूरे दुनिया में इन्वर्टिब्रेट्स आर द बेस्ट टूल ऑफ बायो मॉनिटरिंग। हम बायो मॉनिटरिंग के लिए कभी प्रोजेक्ट भी चलाए तो लोग डॉल्फिन और कार्प्स और महासीर और इस पे घड़ियाल पर दे दिए, उससे नहीं होगा। बेस्ट टूल तो ये हैं, इनके ऊपर तो इम्पैक्ट बहुत बाद में दिखेगा, इमीडिएट इम्पैक्ट दिखता है इन्वर्टिब्रेट्स के ऊपर में, और वो इन्वर्टिब्रेट सेंसिटिव एनिमल्स का कहा गया कि डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है। डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, सबसे पहले जब गंगा एक्शन प्लान लॉन्च हुआ तो 1985 में 14 यूनिवर्सिटीज़ को जो गंगा किनारे अवस्थित थे उनको प्रोजेक्ट दिए गए, और वो इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट था। ये संजोग था कि उस ज़माने में बहुत ज़्यादा लिम्नोलॉजिकल स्टडी या फिर रिवर इकोलॉजी के एक्सपर्ट लोग नहीं थे अपने देश में, तो जिनके पास जैसे भी एक्सपर्टाइज था उस एक्सपर्टाइज के हिसाब से कॉन्ट्रीब्यूट किए, तो गंगा या साइंटिफिक स्टडी एक किताब आई, और वो सी आर कृष्णमूर्ति साहब उस ज़माने में उसको एडिट करके बनाए थे, वो किताब आज भी अवेलेबल है। एक बेसलाइन डेटा तो कम से कम है कि हाँ उसमें फाइटोप्लैंकटन, जूप्लैंकटन, बेंथिक फौना से लेके ट्री मैक्रोफाइट्स और अदर ग्रुप्स के भी डॉक्यूमेंटेशन दिए गए हैं, क्योंकि मैं खुद भी इन्वॉल्व था उस ज़माने में गंगा एक्शन प्लान से, तो वो किताब हम लोगों ने बनते देखा, उस किताब की कॉपी भी है।
अब रही टर्टल्स की बात, बहुत अच्छे से बताया शैलेंद्र जी ने। देखिए सारनाथ में जो सेंचुरी की बात में हुआ तो पहले बनाया गया था, एक तालाब खोदे गए थे कि जहां हम उसको रियर करेंगे, रियरिंग करके तब रिलीज किया जाता था। 7 किलोमीटर के क्षेत्र में केवल बनारस के पास में बनाया गया था टर्टल सेंचुरी। मुझ शायद आप लोगों में से कितने को जानकारी है कि नहीं, एक ऐसा रिपोर्ट उस समय दिया गया था कि बनारस में जिंदा आदमी को कछुआ खींच के पानी में ले गया नहा स्नान करते समय, और ये रिपोर्ट महंत जी का था उस ज़माने में, जो बाद में NDRBI के मेंबर भी बने। मैं बैठा था गंगा एक्शन प्लान की उसमें मीटिंग चल रही थी एडिशनल सेक्रेटरी के साथ, और ये पेपर ला के मेरे सामने रखा गया और कहा गया कि इज इट पॉसिबल, हमने कहा कि नो, असंभव है, टर्टल्स आर नॉट प्रीडेटर, दे आर स्कैवेंजर, ये संभव ही नहीं है। किसी ज़माने में सुनते हैं कि जमुना में मथुरा के पास में और वृंदावन के पास में 50 किलो 60 किलो के भी कछुए हुआ करते थे, लोग उस पर खड़े हो जाते थे, इन कछुआ किसी आदमी को कभी नहीं खींचा। तो उस कछुए के सेंचुरी के लिए इतने विरोध उस समय से ही हो रहे थे, फाइनली देखिए कि आज वो अस्तित्व ही समाप्त कर दिया गया उसका। ये अलग बात है कि कछुआ की जब मॉनिटरिंग की जा रही थी तो नहीं ज़्यादा मिल रहा था संख्या जितना रिलीज हो रहा था, क्योंकि वो ड्रिफ्ट भी कर जाते हैं और साथ साथ जैसा बताया शैलेंद्र जी ने ज़बरदस्त उसकी स्मगलिंग हो रही है, आज भी हो रही है। एक तो हैबिटेट ख़त्म हो रहा है, क्योंकि हम वाटर लाइन तक खेती कर रहे हैं तो अंडा कहाँ देगा, अंडा को भी लोग निकाल के पहले बेचते थे, अब तो वो तो नहीं हो रहा, अंडा मिल नहीं रहा है, लेकिन आज भी किलिंग हो रही है, खास करके जो सॉफ्ट सेल टर्टल हैं दे आर स्कैवेंजर। और उनको इसलिए छोड़ा गया था बनारस के पास में कि चूँकि वहाँ पर हरिश्चंद्र घाट से और मणिकर्णिका घाट से जो हम डेड बॉडी बहाते हैं गंगा में, तो शायद उसका वो केयर लेगा, क्योंकि वो कड़ावर पर फीड करता है, ये बात सही है, कड़ावर फीड करने वाला है वो। तो इन चीज़ों पर भी मैं चाहूँगा कि जब गंगा की रिजुवनेशन की हम बात कर रहे हैं तो गंगा के रिजुवनेशन का जो पैमाना होगा वो शायद बायोडाइवर्सिटी होगा, क्योंकि जो रिजुवनेशन हुआ इसका क्या सक्सेस का पैमाना क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी होगा। बायोडाइवर्सिटी में केवल ये नहीं कि मैं तो स्पीसीज रिचनेस और स्पीसीज एबंडेंस की भी बात करूंगा, कि दोनों चीज़ें सामने आनी चाहिए, कितने स्पीसीज हैं और रिलेटिवली हर स्पीसीज का एबंडेंस क्या हुआ है। और जब ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर के लिंकेज की बात होगी तो निश्चित रूप से हमें फोकस करना होगा वेटलैंड कंजर्वेशन पर। बात कही गई कि पोखर और तालाब की बात भी किया था किसी ने, वो थोड़े गंगा के दक्षिणी भाग से कह रहे थे। मैं भी एक ऐसे जगह से आता हूँ, किसान परिवार से आता हूँ, जहाँ मैंने देखा है कि बड़े बड़े आहर हुआ करते थे बिहार में। अब वो आहर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करता था, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता था और बाद में फिर नदियों को भी रिचार्ज करता था। आज आहर पॉइंट सिस्टम लगभग समाप्त हो गया। मुझे खुशी है कि 2-3 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने 200 करोड़ रुपये सैंक्शन किए कि आहर पॉइंट सिस्टम को रिवाइव किया जाए। तो जब तक हम लोग इस तरह से वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी थी नेचुरल सिस्टम से जो पानी जमा होता था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती थी और ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता था, तब तक ये ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर की जो लिंकेजेज है वो तो वीक ही पड़ता जाएगा, क्योंकि ग्राउंड वाटर के इतना ज़्यादा निकाल रहे हैं पानी समर फार्मिंग के लिए, इतनी बड़ी आबादी को खिलाने के लिए, और दूसरे तरफ कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं हो रहा है कि कितने पानी की आवश्यकता है इरिगेशन में, चाहे धान की फसल, गेहूं की फसल, गन्ने की फसल, आलू या प्याज, जिसको भी उगा रहे हैं, 2 इंच पानी है, 2 इंच जड़ है गेहूं का, 2 फीट पानी डाल रहे हैं। मैं कभी भी इसके विरोधी नहीं हूं कि इरिगेशन को पानी ना मिले, मैं समझता हूं पहला प्रायोरिटी वही होना चाहिए और शायद है भी हमारे वाटर पॉलिसी में, लेकिन कितना चाहिए ये अगर केवल कैलकुलेट करके उसके हिसाब से पानी दिया जाए, क्योंकि 80% पानी जब इरिगेशन में, 85% पानी कल डाटा दिया गया कि जा रहा है, तो शायद हम नदियों में पानी बचा सकेंगे। लेकिन इसके लिए हमें कॉन्फिडेंस में लेना होगा एग्रीकल्चरल इंजीनियर्स, एग्रीकल्चरल के जो इरिगेशन के जो इंजीनियर्स हैं, और किसानों को भी उन्हें बताना होगा, क्योंकि एक्सेस इरिगेशन के कारण उत्तर प्रदेश के, मैं समझता हूँ शायद 10 से अधिक जिले का सोडिक सॉइल हो गया है, जिसकी बायोडाइवर्सिटी हमने 95 में किया था NBRI के साथ मिलकर के, इतना बर्बादी हुआ है कि वो ज़मीन में कोई फसल नहीं हो सकता है एक्सेस इरिगेशन के कारण। और आज भी एक्सेस इरिगेशन होते जा रहा है, क्योंकि लोग खाद देकर के उपजा ले रहे हैं, नहीं तो उसकी समस्या तो बनी रहेगी।
हम लोगों को समग्रता से कॉम्प्रिहेंसिवली इन सारी चीज़ों पर समझना होगा। गंगा रिजुवनेशन की बात जो हम करते हैं तो गंगा में पानी की उपलब्धता, पानी की गुणवत्ता और उसमें रहने वाले जीव जंतुओं का बहुत बड़ा रोल है जो पानी को स्वच्छ रखते हैं। पानी को स्वच्छ रखने के लिए कोई और नहीं, दूसरे आता है। तो हिमालय की काफ़ी चर्चा हुई है, मैं हिमालय के बाद से लेकर के और जयंतो दास मैं पूरी तरह से सहमत हूँ जब इन्होंने कहा कि सारे वहाँ उसके तो जो फीड करने वाली नदियाँ थीं, जो लिंक थीं गंगा सिस्टम से, वो तो बंद हो चुकी है। स्वाभाविक है सुंदरबन में इतना सैलिनिटी हो गया है कि मैं जाके घूम के देखा या मुझे एक डॉल्फिन दिखाई नहीं पड़ा सुंदरबन में कहीं, जितना दूर मैं देखा था। हो सकता है कहीं कहीं और हो रहा होगा। तो ये स्थिति है। अब मित्रों हमारे पास में समय है अभी, तो आप सब लोगों से अब आग्रह है कि क्वेश्चन हमारे पैनलिस्ट लोगों से पूछें, और जब आप पूछें तो अगर स्पेसिफाई कर सकते हैं कि किन से पूछ रहे हैं तो बेटर होगा, वो जवाब देंगे। और मैक्सिमम एक पैनलिस्ट से दो या तीन क्वेश्चन अगर पूछा जाए, या पैनलिस्ट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो क्वेश्चन नोट कर लें और फिर उसका जवाब वो दें। तो मैं आमंत्रित करता हूं, सबसे पहला जो प्रेजेंटेशन दिया है कुलकर्णी साहब, हिमांशु कुलकर्णी जी से कौन कौन लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं और क्या क्वेश्चन है इनको बताएं। हाँ बताइए, दीजिए इनको। अच्छा रुक जाइए एक मिनट, वहां दे दिया गया, चलिए। Himanshu, what will be the implication of treating aquifers as ecosystems, and which are the agencies' role which will be affected by that? In यहाँ दीजिए। Thank you very much. In fact, aquifer ecosystem services is a new term for me. It's learning experience for me, but I would like to know more about it. What are the some of the important services except for river water recharge? Second is, when we talk about the integration between groundwater and surface water, most important issue is policy interplays and trade-offs. So a specific question, that's why a specific question is how to address, like irrigation, groundwater irrigation, especially around 80% irrigation is from the groundwater. Don't give answer. Okay. Specific question. So, a specific question is that like energy policy, then irrigation policy, and the food policy, how to integrate these three things to address the groundwater and surface water issues.